हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे लेके आए हैं जिसको हिंदी में निबंध और अंग्रेजी में ऐसा, यानी कि हिंदी। फ्रेंड्स मेरे साथ बनी रहे और पूरी वीडियो देखे। तो आइए बच्चों, हम ऐसे को शुरुआत। यह एक कौवा है। दिस इज अ क्रो। प्लीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें, लाइक भी कर दीजिएगा। यह एक सामान्य पक्षी है। इट इज अ कॉमन बर्ड्स। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यह काले रंग का होता है। हाँ बच्चों, कौवा काला रंग का होता है। इट इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट हो जाएगा, इसके दो छोटे पैर होते हैं। हाँ बच्चों, कौवे को दो छोटे छोटे पैर होते हैं। इट हैज टू स्मॉल फीट। नेक्स्ट हो जाएगा, इसका शरीर मजबूत होता है। हाँ बच्चों, कौवे का शरीर मजबूत होता है। इट्स बॉडी इज स्ट्रोंग। प्लीज लाइक भी कर दीजिए, नहीं किए तो। इसकी आंखें छोटी और सर भी छोटा होता है। हाँ बच्चों, कौवे की दो छोटी छोटी आँखें होती है। इट्स आइज आर स्मॉल एंड एज वेल एज हेड आल्सो। नेक्स्ट है, इसकी चोंच तेज होती है। हाँ बच्चों, कौवे की चोंच बहुत तेज होती है। इट्स बीक इज शार्प। प्लीज चैनल परिवार सब्सक्राइब। नेक्स्ट हो जाएगा, यह खाने की सभी चीज़ें खाता है। बच्चे, कौवे हर चीज़ खाता। इट ईट्स ऑल ईटेबल्स। नेक्स्ट हो जाएगा, यह कीड़े भी खाता। हाँ बच्चों, कौवे कीड़े भी खाता है। इट आल्सो ईट्स इंसेक्ट्स। नेक्स्ट हो जाएगा, यह बहुत धूर्त पक्षी होता है। हाँ बच्चों, सभी पक्षियों में कौवा बहुत धूर्त पक्षी होता है। इट इज़ वेरी क्लेवर बर्ड। नेक्स्ट हो जाएगा, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो। यह घोंसले में रहता है। हाँ बच्चों, कौवे अपने घोंसले में रहता है। इट लिव्स इन अ नेस्ट। नेक्स्ट हो जाएगा, इसकी आवाज़ कर्कश होती है। हाँ बच्चों, कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। इट्स वॉइस इज हार्श। तो प्लीज़ आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।